दोस्तों राजवंत सिंह मोहाली रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो, आज ये टॉपिक है अपना। तो मैंने ये लिखा सस्ती प्रॉपर्टी से अमीर बने कैसे बने, ये मैं आज आपको केस स्टडी बता रहा हूँ राजस्थान की, जो 13/5/2008 को एक रजिस्ट्री करवाई थी बूंदी जिला में। बूंदी जिला में जमीन ली थी दिनेश साबू ने। जमीन क्या थी, जमीन मतलब वहाँ जो लोगों के पास होल्डिंग बहुत कम है, छोटे छोटे मतलब कोई 2 बीघे, किसी के 2.5 बीघे। किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वहाँ पर जमीन इकट्ठी कर ली, तकरीबन 500 बीघे 200 एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी सिर्फ 67,000 रुपये एकड़ में, उसको जो दिनेश साबू जो मालिक है उसको इस रेट में पड़ी थी जमीन। तो 2-3-4 साल 5 साल 6 साल जैसे जैसे निकले, जो ये ज़मीन बिल्कुल किसी काबिल नहीं थी, हकाई के काबिल नहीं थी, मतलब बुआई के काबिल नहीं थी। तो ये जब ज़मीन ये बननी शुरू हुई, इसको तैयार किया गया, इसमें पानी का इंतज़ाम किया गया, इसमें रास्तों का इंतज़ाम करा गया, तो ये ज़मीन जाके ये जो ज़मीन का रेट 67,000 रुपये रेट था, ये 5 लाख रुपये एकड़ का रेट हो गया। तो ये जो 200 एकड़ ज़मीन ये पड़ी थी, 200 को यदि हम 67,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,34,00,000 रुपए की, और अब यदि 200 को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगी 10 करोड़ रुपए की, मतलब 10,000। 1,34,00,000 रुपए की जमीन ली, कुछ उसको डेवलप किया, कुछ उसमें पानी का इंतजाम किया, जो रास्ते थे पुलियां थी जी बीच में नाले थे वो ठीक किए, 50-60 लाख रुपया लगा के वो तैयार कर लिया। 2 करोड़ में लेके प्रॉपर्टी 3 या 4 साल में प्रॉपर्टी ये 10 करोड़ में बेच दी गई। ये मैंने पहले भी केस स्टडी बताया था, इसमें केस स्टडी में मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। जो सरहंद वाला गुरप्रीत सिंह है उसने 60,50,000 रुपये में एकड़ में ज़मीन ली थी, और 7 साल बाद उसने 22,00,000 रुपये में उसको ज़मीन बेचनी पड़ी, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा डाउन आ गया था। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, उसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। और जो छोटे रेट की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 67,000 रुपये एकड़ वाली प्रॉपर्टी है, वो 5 लाख रुपये को टच कर गई। तो हमने ऐसी ही प्रॉपर्टी ढूंढनी है। हमने काम क्यों करना है यार, पैसे के लिए तो काम करना है ना, अमीर कैसे बनना है यही तो हमारा फार्मूला है, यही तो फार्मूला आपको देना है। मैंने ट्रेनिंग में भी यही फार्मूला देता हूँ कि आप शोर शॉट अमीर कैसे बन सकते हो, आपके साथ गड़बड़ ना हो, आपको प्रॉपर्टी की पहचान कैसे की जाए, आपको प्रॉपर्टी को डेवलप करने की सेंस कैसे आपकी डेवलप हो, उसके ऊपर तो हम बात करते हैं। अब दिनेश साबू जैसे बंदे जो गुजराती बंदे हैं, वैसे ही दिमाग बहुत है, इन्होंने सस्ती से सस्ती जमीन ढूंढ ली और उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया, रास्ते बना दिए, पानी का इंतजाम कर दिया, पानी पीछे था मतलब उसमें नहर जा रही थी उसमें से पानी उठा के इसमें लगा दिया। तो जब ये फसल फुसल देने लगी तो ये जमीन का रेट 5 लाख रुपये हो गया। तो दोस्तों ये हमने देखना, इस बंदे ने 5-6 साल इस जमीन में से फसल भी निकाली, फसल के पैसे अलग लिए और एप्रिसिएशन के पैसे अलग लिए, दोनों हाथ सुझे। जैसे मतलब एक कहावत है पंजाबी में, कहावत है पंजे उंगला घी विच और छेवा सिर कढ़ाई विच, ये मतलब ये कहा जाता है कि पांचों उंगला उसके घी में रही। तो ये इसमें मतलब उसने फसल के साथ पैसे भी लिए और रेट एप्रिसिएशन बढ़े हुए रेट का फायदा भी लिया। यदि आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हो, रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो वाली प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हो जिसमें आप जान डाल सकते हो, तो वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली आप में भी जान डाल देगी, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देगी, आपको सोशली स्ट्रांग कर देगी, आपको मेंटली स्ट्रांग कर देगी। सो आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टूल हैं, ये टूल आप अपनी ज़िंदगी में उतारते जाओ और अपनी गरीबी को गले से उतारते जाओ, परे फेंकते जाओ। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप बदलने वाले हो। जिस दिन आपकी सोच की दिशा बदल गई, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प के ऊपर लिख के दे सकता हूँ, आपकी दशा जरूर बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ।